हाय दोस्तों, हरे गंगे नमामि गंगे। आज भी आप देख रहे हैं पूरे घाट हाउसफुल है, पूरे हाईवे जाम है, रास्ते पूरी तरह से बंद है। आज आप सबको महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। पवित्र माँ गंगा के जल को लेने के लिए श्रद्धालु की उमड़ी जो सैलाब है वो आप देख रहे हैं। कहीं भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे आप कुछ देर खड़ा हो सके, बैठना तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे अभी देखेंगे गंगा जी के जल के अंदर भी इतनी भयानक वाली भीड़ है, वो अभी आप देखेंगे। माँ गंगा की जो धारा है वो काफ़ी ज़्यादा धीमी हो चुकी है और श्रद्धालु की संख्या आज आपको खास तौर पर डार्क कार वाले नज़र आएंगे। हाईवे में अगर हम कहें तो आपको आते वक्त तो जाम नहीं है, जाते वक्त तो जाम मिलेगा। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी, होटल, धर्मशाला, पार्किंग और यहाँ पर रहने के अच्छे ऑप्शन कहाँ पर मिलेंगे, क्योंकि जब भीड़ ज़्यादा होता है ना तो हर की पैड़ी के पास स्टे करना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आपको इस वीडियो में वो जानकारी मिलेगी जिसके कारण आप आराम से आ सकते हैं और होटल धर्मशाला का भी नंबर मिल जाएगा जिसकी वजह से आप बुकिंग भी करा पाएंगे। गंगा जी की धारा काफ़ी कम है लेकिन अचानक बढ़ भी जाता है और अचानक कम भी होता है, श्रद्धालु की संख्या के ऊपर डिपेंड करता है, ताकि यहाँ पे जो स्नान कर रहे लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देख रहे हैं खुरदर से आए हैं और टीला यहाँ पे बन चुका है, ये चप्पल जूता कपड़े का है। देख रहे हैं लोगों की संख्या गहरे जल पे कितनी ज़्यादा है, संख्या आज करोड़ों से भी ज़्यादा होगा, क्योंकि केवल भीड़ यहाँ पे नहीं, यहाँ से 5 किलोमीटर पहले यानी आपको प्रेम नगर आश्रम तक का भीड़ देखने को मिलेगा। देख रहे हैं पूरे घर की पैड़ी फुल है। अभी हम चलेंगे, पूरे घाटों का दृश्य दिखाएंगे। देख रहे हैं इस तरह का टीला है। आप सबसे रिक्वेस्ट है जब हरिद्वार आते हैं तो कपड़े, चप्पल, जूता और पॉलीथीन ऐसे ही ना छोड़े, जिसकी वजह से यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गंदगी फैल गई है। अभी आप हरिद्वार आ रहे हैं तो सबसे पहले ये जरूर ध्यान रखिए, अपने बच्चे बुजुर्गों का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे लोगों की संख्या एक दूसरे से बिछड़ने वाली काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है और भीड़ इतनी ज़्यादा है कि बिछड़ने के बाद जो यहाँ पे सूचना प्रसारण केंद्र है वहाँ से भी आपको सूचना नहीं मिल पाएगा, आवाज़ इतनी ज़्यादा है। लेकिन वो पूरी आवाज़ में ही बोलते हैं और यहाँ पे जल भी जो बढ़ती है उसे भी वो सूचना प्रसारण केंद्र से बताते हैं, लेकिन लोग सुन नहीं पाते। देख रहे हैं भीड़ इतनी ज़्यादा है, चलने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हो रही है आज। और कल आप आए यानी 1 तारीख को अगर आए होंगे तो आपको पता ही होगा कि कल का दृश्य क्या था, ऐसे हमने वीडियो अपलोड कर दी है। ऐसे मनसा देवी की यात्रा आप करना चाह रहे हैं तो मनसा देवी में भी काफ़ी अच्छी खासी भीड़ है। मनसा देवी में जो रोपे के लिए 3 घंटे का मिनिमम वेटिंग टाइम लिख दिया गया है बाहर, और मनसा देवी की पैदल यात्रा में भी अच्छी खासी लंबी भीड़ है। और नीलकंठ पैदल यात्रा की लेटेस्ट वीडियो हमने अपलोड कर दी है, नीलकंठ जो जाना चाह रहे हैं। लेकिन कल परसों काफ़ी तेज़ बारिश हुआ था तो भी भीड़ बिल्कुल भी नहीं रुक रहा था, भीड़ अपने आप में एक अलग रिकॉर्ड इस बार बना चुका है। इस बार जो भीड़ है ऐसा लग रहा है कि पिछले बारों की तुलना में ज़्यादा भीड़ है, चाहे वो ऋषिकेश में हो या फिर हरिद्वार में हो। ऋषिकेश में नीलकंठ के लिए सबसे ज़्यादा श्रद्धालु जा रहे हैं, ऐसे तो त्रिवेणी घाट में भीड़ नहीं के बराबर है। देख रहे हैं यहाँ पे सफाई लगातार चल रहा है, ऐसा नहीं कि सफाई यहाँ पे ना चल रहा हो, लगातार सफाई चलने के बाद भी घाटों का जो हालात है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है लोगों का वो सुबह आती है, दोपहर में आती है, शाम को आती, लगातार आती रहती है, तो लगातार सफाई भी होता है और लगातार गंदगी भी होते रहता है। आज जल उठाने का लास्ट दिन है यानी महाशिवरात्रि है, महाशिवरात्रि में शाम तक जल चढ़ाना होता है आज के दिन, और भोले की संख्या जो डाककड़ वाले हैं यही जल लेने के लिए ही काफ़ी दूर दूर से आते हैं। जब भोले यहाँ पे आते हैं तो उन्हें स्नान करना होता है और जल एक पाइप में लेके जाना होता है, पाइप में इसका लेते हैं ताकि उन्हें दौड़ने में और एक्सचेंज करने में आसानी हो। देख रहे हैं ये सामने एक ब्रिज दिखाई देगा जहाँ पे अभी हम जाएंगे, अब ब्रिज से आप जो हर की पैड़ी संपूर्ण घाटों का दृश्य देखेंगे। ये देख रहे हैं पनौड़ी डाककड़ वाले हैं, ऐसे काफ़ी दूर दूर से बीकानेर, राजस्थान से लोग आते हैं और जल लेके जाते हैं। ये जो यात्रा है आज जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये 100-150 किलोमीटर के आसपास की ही लोग हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर के लोग आप नहीं दिखाई देंगे, लेकिन सावन भर आपको भीड़ नज़र आएगा। और एक चीज़ और ध्यान रखें, 4 तारीख को आप आ रहे हैं तो आपको पूरी प्लानिंग करके आनी होगी, होटल धर्मशाला का नंबर आपको मिल गया होगा उसमें आप बुकिंग करके आएँ ताकि आपको पूरी इंफॉर्मेशन
वहाँ पे मिल जाएगा नंबर पे कॉल करने के बाद। देख रहे हैं जल की धारा थमने के बाद जो यहाँ पे जो दृश्य है वो काफ़ी अलग है। पैर रखना मुश्किल है, मैं घाटों में नहीं कह रहा हूँ, गंगा जी के अंदर कह रहा हूँ। देख रहे हैं इतनी ज़्यादा भीड़ है। और यही आप अपर रोड में जाएंगे या फिर हाईवे में जाएंगे, हाईवे में वापसी में यानी दिल्ली से हरिद्वार से दिल्ली जाएंगे तब जाके आपको जाम मिलेगा, वो भी अच्छी खासी जाम में। और ये जाम कब तक रहेगा ये भी हम आपको बता देते हैं, ये लगभग 12 से 1 बजे तक जाम रहेगा, फिर नॉर्मल होगा। आज जो जल लेने के लिए लोग आ रहे हैं वो लोकल भी हैं, यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के लोग भी आ रहे हैं। बाइक जब साइलेंसर निकाल के जाते हैं तो नॉर्मल श्रद्धालुओं को बच्चों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, तो आप इस चीज़ों का भी ध्यान रखें। ट्रेन की यात्रा सबसे अच्छी यात्रा होगी अभी 4 तारीख तक। ऐसे तो पूरा ट्रेन का यात्रा बेस्ट यात्रा होता है क्योंकि बसेस अभी बंद है, बसेस नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से ऋषिकेश से हरिद्वार या दिल्ली से आने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। दिल्ली के पंजाब हरियाणा वाली बसेस भी नहीं चल रहे हैं, काफ़ी कम बसेस चल रहे हैं। और जो बसें चल रहे हैं वो हाउसफुल चल रहे हैं। श्रद्धालुओं को जो दिक्कतें हो रही हैं बसेस बंद होने के बाद, जाम लगने के बाद, वो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि हमने भी पिछले बार देखा था लोग बस के ऊपर बैठ के आते थे, टेम्पो के ऊपर बैठ के आते थे जो बस चल रहे हैं। ये वाली जो मार्ग है ये भीमगोड़ा से आने का मार्ग है, सबसे अच्छा ऑप्शन है भीमगोड़ा में स्टे करने का। वहाँ पे आपको कार की पार्किंग भी मिल जाएगा और अच्छी खासी आपको रूम भी मिल जाता है अच्छे बजट में, और चलना भी आपको कम पड़ेगा, लगभग 500 मीटर चलना पड़ेगा और आराम से आप यहाँ पे आके स्नान कर सकते हैं। घाटों में जो ये दृश्य देख रही है सुबह के 10 बजे का दृश्य है, और सुबह के 10 बजे इस कारण हम आज वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी लेट हो चुके हैं, तो हम जाम में फंसे थे और दूसरा यहाँ पे एक अनहोनी हो गई, और अनहोनी का वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे, ताकि आपको अनहोनी का वीडियो बनाने का एक ही कारण है ताकि आप लोग सतर्क रहें। हम काफ़ी सारे वीडियो बना चुके हैं और काफ़ी सारे में यही आपको संकेत मिलता है कि आप यहाँ पे स्नान करें, सतर्क रहें, सावधान रहें। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बह चुके हैं और काफ़ी सारे लोगों को चोट लग चुकी है और काफ़ी सारे लोगों को यहाँ पे लापता का भी दृश्य देखने को मिलता है, लापता हो जाते हैं, चाहे वो भीड़ में हो या फिर जल में हो, जैसे भी हो लेकिन हो जाते हैं। आप सावधान रहें, सतर्क रहें, नंबर आपके बच्चे या बुजुर्गों की जेब में जरूर रखें नंबर एड्रेस, ताकि वो आपसे मिल सके। यहाँ पे पुलिस वाले जगह जगह घूम रहे हैं, पुलिस वालों को काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें। देख रहे हैं सुबह के बिल्कुल 10 बजने को ही, अभी लाइक शेयर वीडियो को जरूर करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको ऐसी वीडियो और भी मिलता रहे। हरिद्वार उत्तराखंड के काफ़ी सारे वीडियो आपको हमारे चैनल मिल जाएंगे, पूरी यात्रा आप कर सकते हैं। खासतौर पर ऋषिकेश की लेटेस्ट वीडियो अभी हमने अपलोड की है, नीलकंठ पैदल मार्ग, और साथ में ऋषिकेश की काफ़ी जगहों की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। देख रहे हैं काफ़ी सारे लोग किस तरह से मस्ती कर रहे हैं, भोले हैं। और खैर जल की धारा काम में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जल की धारा जैसे तेज़ होती है तो आप सुधार रहे। देख रहे हैं हाईवे का दृश्य पूरे जाम चल रहा है, बिल्कुल चक्का जाम वाले दृश्य कहते हैं वो है। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो पे। जय माँ गंगे, हर हर गंगे, नमामि गंगे।